हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पेनिसर के बारे में जो भी आपको मात्र 30 रुपये के आसपास मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसे पेनिसर लेके आया हूँ जो मात्र आपको मिल जाएगा 30 पैसे का। जी हाँ दोस्तों, सही सुनो आपने, 30 पैसे का मात्र। और दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर आप इसका टारगेट सुनेंगे, जी हाँ दोस्तों, इसका अगर टारगेट सुनेंगे तो दोस्तों रियली आप चौंक जाएंगे कि इसका बहुत ही बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, पूरी डिटेल इस वीडियो में जानेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है वो किस सेक्टर में काम करती है, इसका टारगेट क्या हो सकता है, और दोस्तों हमें किस लेवल पर बाय करना चाहिए, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर बात कर रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने की, हमें कब बाय करना चाहिए, तो दोस्तों आप इसमें कल परसों जब मर्जी आपको उसमें मौका मिले इन्वेस्टमेंट करने का, तभी आप बाय कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी ये शेयर आपको बहुत ही कम प्राइस का मिल रहा है, मात्र 31 पैसे का शेयर मिल रहा है। अगर आप जितनी जल्दी इसमें अपनी जगह बना लेते हैं, यानी कि जितनी जल्दी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको उतना ही प्रॉफिट होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर ली तो आप टारगेट जानेंगे कि इसका टारगेट क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है लगभग 2 रुपये के आसपास। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, इसका टारगेट रहेगा 2 रुपये के आसपास। अगर इसका बुक वैल्यू की बात करें तो इसका बुक वैल्यू है 2 रुपये 54 पैसे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस शेयर को बाय करते हैं 30 रुपये के आसपास, तो आपका टारगेट रहेगा 2 रुपये के आसपास का। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप 14 करोड़ के आसपास का है, फेस वैल्यू 1 रुपये की है। और दोस्तों, जो इसमें सबसे बेहतरीन बात है वो है इसकी बुक वैल्यू, इसकी बुक वैल्यू है 2 रुपये 54 पैसे की, जो कि इस शेयर में बहुत ही पॉजिटिव और एक अच्छी बात है। दोस्तों, ऐसी पेनी शेयर ढूंढने में बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दें। मैं पहले भी आपके लिए एक ऐसी पेनी शेयर लेके आऊँ जो 50 पैसे का था, और दोस्तों आज जो पेनी शेयर लेके आऊँ वो मात्र 30 पैसे का है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स ऐसी वीडियो और ऐसी पेनी शेयर आपको और मिलते रहें, जिससे कि आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। दोस्तों, एक नेगेटिव खबर ये भी है कि कंपनी ने अपना जो एनुअली लिस्टिंग फ़ीस होती है वो अभी तक सबमिट नहीं करा है। ऐसा ही हमें देखने को मिला था MPS इन्फोटेक्निक्स में, उन्होंने भी अपना जो एनुअली लिस्टिंग फ़ीस थी वो पे नहीं किया था, जब वो शेयर 20 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था। और ये शेयर भी आज 30 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, और सेम कंडीशन इसमें भी है। इन्होंने भी अपना जो एनुअली लिस्टिंग फ़ीस होती है वो सबमिट नहीं किया है, लेकिन दोस्तों जब ये अपना एनुअली लिस्टिंग फ़ीस पे कर देंगे तो सेम कंडीशन जैसे MPS में थी इसमें भी लागू हो जाएगी, और ये भी स्ट्रॉन्ग अपर सेक्टर में जाएगा। और जो मैंने आपको टारगेट बता रखा है 2 रुपये का, तो वहाँ तक ये डेफिनेटली जाएगा। कंपनी किस चीज़ में डील करती है? कंपनी एक्चुअली मीडिया सेक्टर में डील करती है, मोशन पिक्चर, वीडियो एंड टेलीविज़न प्रोग्राम एक्टिविटीज़ में डील करती है। अगर दोस्तों कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है उसकी बात करें, तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर महज 1 करोड़ 10 लाख का कर्जा है, जो कि दोस्तों ना के बराबर का है। दोस्तों, अभी आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है इस शेयर में अपनी जगह बनाने के लिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने कंपनी का नाम देख लिया होगा, कंपनी का नाम है इंटरवर्ल्ड डिजिटल लिमिटेड। दोस्तों, ये एक पेनी शेयर है, तो इसलिए इसमें फंडामेंटल और जो बैलेंस शीट है वो काम नहीं करती। दोस्तों, पेनी शेयर हमेशा न्यूज़ के दम पे काम करते हैं, जब इसमें लिस्टिंग फीस जो इनकी एनुअली है वो जब ये पेमेंट कर देंगे, तब इसके अंदर स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट देखने को मिलेगा। तो आप इस शेयर में एंट्री ले सकते हैं, या तो अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेहतरीन पेनी शेयर के साथ, जो आपको दिलाएगा प्रॉफिट। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।